Welcome back to SnapSol students. Today is your chemistry class. Last class में हमने एक question discuss किया था कि crystalline solids को आप amorphous solids के अंदर कैसे convert कर सकते हैं. ये question मैंने आपसे पूछा था. चलिए अब हम इसका answer देखते हैं. अगर आपको crystalline solid को amorphous solid के अंदर convert करना है तो बेसिकली आपको ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को डिसऑर्डर करना है. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा. बिल्कुल, जैसे ही वो मेल्ट होगा आप क्या कीजिए, उसका रैपिड कूलिंग कीजिए. जैसे ही हमने उसको रैपिड कूलिंग किया, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, रैपिड कूलिंग में डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी, जिसकी वजह से वो अमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा. बिल्कुल, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर. अब आगे बढ़ते हैं. आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डीप में डिस्कस करना है. आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार मेजर टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं. वो कौन से टाइप्स हैं, हम हर एक टाइप को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. जो आपका फर्स्ट टाइप है वो है आपका आयनिक सॉलिड. सबसे पहले आयनिक सॉलिड डिस्कस करेंगे. सेकेंड टाइप इज योर मेटालिक सॉलिड. देखो, वर्ड से ही हमें बहुत सारे मीनिंग समझ आ रहे हैं, बट बाकी का हम डीप डिस्कशन हर किसी का करेंगे. मेटालिक सॉलिड्स, उसके बाद में जो आपके सॉलिड्स आएंगे वो आएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. और जैसे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा उसके बाद में आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स. तो ये चार मेजर टाइप्स हैं आपके सॉलिड्स को क्लासिफाई करने के. चलिए वन बाय वन हर एक को पढ़ते हैं. सबसे पहला है आयनिक सॉलिड. जब आप आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो वर्ड को ध्यान से समझिए. आयनिक सॉलिड, आयनिक, आयनिक का मतलब होता है आयंस. आयनिक का मतलब होता है आयंस. तो यानी कि ये जो सॉलिड्स हैं वो किससे बने होते हैं? आयंस से बने होते हैं. तो अगर कभी भी सॉलिड बन रहा है यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास आ रहे हैं. तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो हमें इतना पता है कि उन आयंस के बीच में क्या होगा, उन आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी. बिल्कुल, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कब हो सकती हैं दो आयंस के बीच में, जब दोनों के दोनों आयंस क्या हों, ऑपोजिटली चार्ज्ड. बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में भी, NaCl में Na आपका पॉजिटिव है और Cl आपका नेगेटिव है. सिमिलरली MgO में Mg आपका पॉजिटिव आयन है और O2 नेगेटिव जो है वो आपका नेगेटिव आयन है. तो इस तरीके से ऑपोजिटली चार्ज आयंस जब अपने पास आते हैं तो वो आपको आयनिक सॉलिड देते हैं. और जब दो आयंस एक साथ आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, वो स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स होती है. राइट, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं एंड आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. एंड वी नो दैट आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. थोड़ा सा आइडिया सभी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बीच में मैंने आपको दिया है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल एंड लंडन फोर्सेस. और इनके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं. देखिए, वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है बट दे आर गिविंग यू एन आइडिया कि कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है. तो आयनिक अगर आप फोर्सेस की बात करेंगे तो वो 230 किलो जूल्स पर मोल होती है. सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग 20 किलो जूल्स पर मोल होती है एंड सिमिलरली आगे बढ़ते हैं. तो ये सारी फोर्सेस इस टाइप से होती हैं. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होती है तो आप क्या बोलेंगे, आयनिक फोर्स होती है. सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयन डायपोल. नेक्स्ट, नाउ एक और जो क्वेश्चन आपसे सॉलिड्स में पूछा जाता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यानी कि आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको मेल्ट करने के लिए, इनके बीच की फोर्स को तोड़ने के लिए. तो दे आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब वर्ड आता है ब्रिटल और मिलिएबल. देखिए, ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, अगर आप किसी चीज को तोड़ते हैं और वो एकदम से टूट जाती है तो वो होता है ब्रिटल. एकदम से टूटना मतलब कि अगर आपने एक लकड़ी लिया, अगर मान लीजिए आपके पास में एक लकड़ी थी, आपने उसको तोड़ा तो वो क्या हुआ, वो अचानक से टूट गई. राइट, वो स्ट्रेच तो नहीं हुई, वो टूट गई अचानक से, वो होता है ब्रिटल नेचर.
दैट इज अचानक से टूट जाना, आपने प्रेशर लगाया, आपने स्ट्रेस लगाया और वो टूट गए, तो ये ब्रिटल होते हैं। तो अब हमें इनका रीजन समझना है कि ये ब्रिटल क्यों होते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए आपके सामने दो फोर प्लेट्स बनी हैं जहाँ पे अलग अलग चार्जेस हैं। हमें पता है इन आयंस के बीच में ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने लगा दिया। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, एक प्लेट मूव कर जाएगी और दूसरी प्लेट अपनी सेम पोजिशन पे रहेगी। जैसे ही वो मूव करेगी आप देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आ गया, नेगेटिव नेगेटिव के पास आ गया। जब सेम चार्जेस आ जाते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, रिपल्शन हुआ और आपका जो सॉलिड था वो क्या हो गया, टूट गया। दैट इज, इट इज ब्रिटल इन नेचर। वेरी गुड, दे आर ओके। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मेरे आयंस के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो क्या वो कंडक्टर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करा सकते। तो इसलिए ये अगर अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। वहीं पे अगर आप आयनिक सॉलिड्स को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होता है, अपनी मोल्टन स्टेट में वो चले जाएंगे। जैसे ही वो मोल्टन स्टेट में जाएंगे आपके आयंस अलग अलग हो जाएंगे। जब वो अलग अलग आयंस बन जाते हैं तो क्या होगा, Na पॉजिटिव अलग पड़ा है, Cl नेगेटिव अलग पड़ा है। Now they have a tendency to conduct electricity. तो यानी कि आयनिक सॉलिड्स अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, बट वो अपनी मोल्टन स्टेट के अंदर बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने रीजन जो आपको समझाया वो रीजन लिखा है, हम इसे समझ लेंगे। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स कैसे बनते हैं? मेटालिक सॉलिड्स में एक मेटल होगा आपका, एक मेटल आयन होगा और उसके अराउंड उसके इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, उसके सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। एक एग्जांपल आपके सामने है, अगर आप Zn2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो Zn2 पॉजिटिव होगा एंड इट वुड बी केप्ट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये है आपका मेटालिक सॉलिड। तो यहाँ पे कोई रिपल्शन की बात तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स ने आपके मेटल को सराउंड कर रखा है। तो इस टाइप से आपके मेटालिक सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कटायंस क्या होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वो आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वो प्लेस्ड होते हैं इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मेटालिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। अगर आप मेटालिक बॉन्डिंग की बात करेंगे तो Na और NaCl है। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही है, बट वो आपके आयंस के कंपैरिजन में, जैसे Na क्या है, आपका एक मेटालिक सॉलिड है, लेकिन अगर आप NaCl की बात करेंगे तो वो आपका एक आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो ये आयनिक है लेकिन Na क्या है, मेटालिक है। तो जो आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं बट वो आयनिक सॉलिड से कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो अगर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट की बात बताइए, कि मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर आयनिक का, तो आप क्या बोलेंगे, जब बॉन्ड्स आपके मेटालिक के आयनिक के कंपैरिजन में वीक हैं तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी किसका कम होगा, मेटालिक का कम होगा, क्योंकि स्ट्रांग फोर्स है आयनिक के अंदर। तो वही पॉइंट लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई बट इट इज कंपैरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, अनलाइक द आयनिक सॉलिड्स दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नाउ जब भी आप मेटालिक सॉलिड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की साइड जाएंगे। तो चाहे वो अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर हो, चाहे वो अपनी लिक्विड स्टेट में हो, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो हमेशा गुड कंडक्टर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है, अगर आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कीजिए, जैसे आयनिक सॉलिड में हम पढ़ चुके हैं आयनिक सॉलिड्स में आयंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर मेटालिक सॉलिड की बात करेंगे तो मेटल्स थे, वहीं पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स तो हमें पता है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो अब हम वन बाय वन सभी फोर्सेस को पढ़ेंगे, बिकॉज आप अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को तीन मेजर टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है आपका, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
उसके बाद में आएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और उसके बाद में आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो जब आप नॉन पोलर की बात करें तो हमें इतना पता है कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, उनके बीच में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले वही लिखा है, अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे तो उनका डाइपोल मोमेंट जो आपका म्यू होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। तो जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है नॉन पोलर के अंदर। एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे आपको दिया CO2, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इनका जो म्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स और जैसे I2 भी दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, SO3 दिया हुआ है, ये सब अपने डाइपोल मोमेंट्स, इनके जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में फोर्सेस कौन सी होती है, लंडन फोर्सेस होती हैं। ऑब्वियसली वीक फोर्सेस हैं, याद कीजिए जो मैंने आपको एक टेबल दिया था जिसमें सभी के फोर्सेस बताई थी, वहां पे आप देखेंगे कि लंडन फोर्स एकदम लास्ट में आता है, दैट इज सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अगर सबसे वीकेस्ट फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा, बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे, उनके पास में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। एग्जाम्पल्स HCl, अगर आप HCl की बात करेंगे तो इनके पास क्या है, कुछ डाइपोल मोमेंट है, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अगर डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, वो पोलर है, उनके बीच में कोई फोर्सेस है, तो उनका कंपैरेटिवली अगर आप नॉन पोलर का कंपैरिजन करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट नॉन पोलर से ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने सुना है कि वो तो स्ट्रांग होती है जी, वो आपके वैंडरवॉल फोर्सेस जो आपकी लंडन फोर्सेस होती है उनमें सभी फोर्सेस से स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आप आयनिक की बात करेंगे या मेटालिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, बट बाकी ये जो आपकी लंडन फोर्सेस है इन सब में ये सबसे स्ट्रांग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं HF, NH3, H2O, ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट तो इनका भी कम होगा, बिकॉज अगर आप आयनिक और मेटालिक से कंपेयर करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहां तक हमें समझ आ गया। अब आप बात करते हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स की। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में क्या होगा, वर्ड से हमें समझ आना चाहिए। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स यानी कि जो सॉलिड्स होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि SiC, Si, SiO2, AlN, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब हमने सुने हैं। ये सब क्या बॉन्ड्स, कौन से सॉलिड्स बनाते हैं, ये कोवेलेंट सॉलिड्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आप डायमंड की बात करेंगे, अगर आप डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में क्या होगा, डायमंड एक कोवेलेंट सॉलिड है, एक कार्बन है, एक कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आप एक कार्बन की बात करते हैं तो उसके पास में ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, शेयर करने से इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर आप देखेंगे तो ये शेयरिंग से बनेंगे और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं और 4 उसने बॉन्ड्स बना लिए। तो अगर उन्होंने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं तो आप मुझे बताइए, विल इट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, दैट विल इट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो इट कैन नॉट बी अ गुड कंडक्टर। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री नहीं है, राइट, सारे के सारे बॉन्ड्स बना रहे हैं। एंड ऑल्सो इट इज ट्रू, वी नो दैट डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सॉलिड वी हैव इन आर एटमोस्फेयर, राइट। तो ये हमें समझ आ गया कि डायमंड सबसे हार्ड होता है और वो बिल्कुल भी अच्छा कंडक्टर नहीं होता। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं दे नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, यहां पे हमने पॉइंट्स भी लिखे हैं, दैट द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द सॉलिड स्ट्रक्चर मेकिंग अप अ जॉइंट मॉलिक्यूल। हमें पता है ये बात भी कि वो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, परफेक्ट।
हार्डेस्ट होते हैं, बिल्कुल सही, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट डायमंड अगर हार्डेस्ट सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो सबसे ज्यादा होगा, परफेक्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे एक एक्सेप्शन आती है, केमिस्ट्री में कुछ कुछ एक्सेप्शन है। अब देखिए ये है आपकी एक्सेप्शन, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन क्या है। ग्रेफाइट, हमने अभी पढ़ा ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Why is it a good conductor? Exceptions का हर एक exception का एक reason है. Then why it is a good conductor? चलिए देखते हैं. अगर आप structure देखेंगे तो carbon जो graphite बनाता है उस carbon के तीन bonds वो बनाता है, यानी कि carbon के पास में चार electrons थे, carbon के पास में हमने अभी पढ़ा चार electrons थे, लेकिन उसने अगर तीन से bond बना लिया तो ये एक electron तो उसका free है। ये जो free electron होता है ये आपका electricity conduct करता है, इस वजह से आपका जो कार्बन है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। तो इससे रिलेटेड कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, जेई में भी पूछ लिया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे चार मेजर टाइप ऑफ आपके सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, आगे फर्दर स्टडी करेंगे। अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ प्लीज़ डू डाउनलोड द स्नैपसॉल्व ऐप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आज की क्लास आपको कितनी कैसी लगी, एंड आगे हम आपको इसी तरह हेल्प करेंगे। थैंक यू।